स्पोर्ट्स सामान के कारोबारी को भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष ने दी जान से मारने की धमकी, लगाया आरोप। मुरादाबाद में एक स्पोर्ट्स सामान के कारोबारी और उसकी पत्नी ने बीजेपी नेता व मुंडा पांडे के ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक पर धमकाने का आरोप लगाया है। कारोबारी ने डर के कारण अपनी दुकान भी बंद कर दी है। कारोबारी के मुताबिक उसका 8 अक्टूबर को अपने किरायेदार से दुकान को लेकर विवाद हो गया था, जिसके समर्थन में भाजपा नेता ललित कौशिक अपने कई लोगों के साथ हथियारों सहित उसके शोरूम में घुस आए थे और उसके साथ अभद्रता व मोबाइल छीनने का प्रयास किया था, जिसका उन्होंने थाना सिविल लाइन्स में मामला दर्ज करा दिया था। अलग अलग लोगों से उसे धमकी भिजवा रहे हैं कि वह अपने द्वारा दर्ज कराए गए केस में समझौता कर ले, वरना उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? ज्योति गुप्ता। क्या पूरा मामला? एक्चुअली ललित कौशिक करके हैं बीजेपी के नेता, वो हमारी शॉप पे घुस गए थे और उन्होंने मेरे पति के संग बदतमीजी करी है और उन्हें धमकी वगैरह दी थी। उसके बाद से फिर हमारे घर में पूरा डर बैठा हुआ है उनको लेकर के, कि मतलब कभी भी कुछ भी हमला कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने वापस से ये धमकी दी है कि वो दुकानें सील कर देंगे। उन्होंने इसके अलावा नगर निगम वाले भी आए थे, वो भी देख कर गए, नाप जोक करके गए हैं, तो इसीलिए हमें डर हो गया कि कहीं दुकान भी सील ना कर दें, और प्लस मेरे हस्बैंड की भी जान के लिए खतरा है। हम सब लोग घर वाले डरे बैठे हुए हैं घर में एकदम से। शांक गुप्ता जी, अभी कुछ दिन पहले ललित कौशिक नाम के व्यक्ति हैं जो मुंडा पांडे के ब्लॉक अध्यक्ष बताए जाते हैं, तो उन्होंने मेरी दुकान के अंदर आके गुंडागर्दी करने की कोशिश करी थी, तो उसमें FIR दर्ज हो गई थी। बट आज एक महीना होने को जा रहा है 8 तारीख को, तो अभी तक कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है पुलिस की तरफ से ना कुछ। तो ये बाकिया एक और हुआ 3 तारीख को, मेरे को दो जनों ने मुझे रोका बाइक से, पल्सर बाइक थी, दो जने मैं उनको पहचान भी सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे पास आके बोले, मेरे पास आके बोलते हैं कि अपना केस वापस ले ले, वरना ललित कौशिक जी तेरी सारी दुकानों को बंद करवा देंगे। वहाँ से फिर मैं एकदम स्कूटी लेके मैं भागा हूँ वहाँ से, और फिर अपनी दुकान पे मैं आ गया था। ये सारा वाक्या हुआ है कल। बीजेपी के नेता हैं वो, बट हम जो व्यापारी हम ऐसे कैसे काम कर लेंगे बीजेपी के होते हुए, और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं सारी चीज़ें, और हम तो बहुत डरे हुए हैं। तो आज मैंने 2 दिन से मेरी दुकान भी बंद है, तो दुकान मैंने बंद करी हुई है, और मेरी वाइफ मेरे साथ हैं, वो भी बहुत डरी हुई हैं, और मम्मी भी बहुत डरी हुई हैं। हमें जान का बहुत खतरा है, इसलिए हम लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं। स्पोर्ट कारोबारी का कहना है कि भाजपा नेता ने नगर निगम की टीम भेजकर उसके शोरूम की नापतोल कराई है और उसे ये धमकी दिलवाई गई है कि वह समझौता कर ले, वरना उसकी दुकान पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। कारोबारी की पत्नी के मुताबिक वो काफी डरे हुए हैं और वो 3 दिन से शोरूम भी नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी है। पुलिस अधिकारी कुलदीप गुणवत का कहना है कि शिकायत मिली है, जाँच की जा रही है, जाँच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम आपका? आशीष चौधरी। मामला यही है, अभी कुछ दिन पहले ही मैटर हुआ था इनका ललित कौशिक से, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, और उसके बाद मैं अभी 4-5 दिन पहले यहीं सिविल ट्रैक चौराहे के पास में दाल कटे लाए, वहाँ पर दाल खाने गया था, तो दो फुल वो बल्सर बाइक थी बिना नंबर प्लेट, दो लड़के आए थे, बोले चौधरी साहब ऐसा है तुम्हारी जो ये दुकान में कोई मैटर चल रहा है तुम्हारा ललित कौशिक जी से? हाँ मेरा तो कोई नहीं चल रहा, मेरी तो रेंट की दुकान है। हाँ तो बोले जो तुम रेंट में रहते हो उसी में रहे हो? मैंने हाँ। बोले ये तुम्हारा सील होने वाली है। अच्छा, इतना कह के वो चले गए थे। फिर मैंने इन्हें कुछ जंग भाई को ये बताया था, तो एक इन्होंने मुझे फिर बात करी थी, मैंने आगे इनसे बस मेरे साथ तो यही मैटर है। डिमांड क्या यही है, अब उन्होंने अब ये तो दबाव सा ही बना रहे हैं, अब हमें भी ये डरान धमकान जा रहे हैं। मैंने इसमें हमारे को इन्वॉल्व नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं तो ये दुकान है तुम्हारी, तुम भी समझाओ, उन्हें बात करो। बस यही था, उनके नंबर बिना नंबर प्लेट गाड़ी थी पल्सर। इस प्रकरण में मुकदमा पहले लिखा गया था और उस पर विवेचना चल रही है, और तथ्यों के आधार पर इसमें जो भी कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो आज वादी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि जो प्रतिवादी है उनके द्वारा धमकाया जा रहा है,
ये प्रार्थना पत्र पे अब जो भी आरोप लगाए हैं इन पे जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।